हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. क्या है? एक solid cylinder है, ठीक है? जिसमें से same height and same diameter का हमने कोण कट कर लिया है, तो बचे हुए पार्ट का हमें सरफेस एरिया निकालना है। कैसे? डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो हमारे पास क्या है? एक सिलेंडर है, ठीक है? अब सेम हाइट है और सेम डायमीटर। तो जो कोण है ये कट कर लिया, तो बचे हुए पार्ट का, मतलब ये वाले पार्ट का क्या निकालना है हमें? टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है? तो हाइट कितनी है सिलेंडर की? हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर कितना है इसका? डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है? स्लैंट हाइट कितनी है? स्लैंट हाइट गिवन है हमें, एल गिवन है, निकालनी है। तो स्लेंट हेड कैसे निकालते हैं? स्लेंट हेड निकालने का जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, वो था आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पे आर कितने हो गए आपके? ये डायमीटर 1.4, तो रेडियस क्या होती है हमारी? डायमीटर की हाफ, मतलब 1.4 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.7। तो 0.7 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है? 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर, ठीक है? अब 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.49 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे कितना है? 576, तो हो जाएगा 5.76। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6.25, एंड 625 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है हमारा 25 का, ठीक है? तो 25 का होता है क्या हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हेड कितनी होगी हमारी? 2.5 सेंटीमीटर। अब यहां नोट कर लेंगे सभी चीजों को। गिवन में क्या कह रहे थे देखो, हाइट ऑफ द सिलेंडर 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है? स्लैंट हेड ऑफ द कोन अभी हमने निकाली 2.5 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ द सॉलिड ये है हमारी 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है? हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो यह लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ठीक है प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया। तो बेस का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ये वाला पार्ट, ठीक है? तो अब क्या करेंगे? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच,
पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या है देखो, पाई आर यहां भी है, पाई आर यहां भी है, पाई आर यहां भी, तो पाई आर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहां बचेगा 2h प्लस, इसमें बचेगा l प्लस, यहां दो r है तो एक r बचेगा यहां पे। अब वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर कितनी है 0.7, 0.7 2 इंटू एच कितनी है 2.4 प्लस एल 2.5 प्लस आर 0.7। अब 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा 0.1 22 इंटू 1 अपॉन 10। जब भी पॉइंट को हटाते हैं तो क्या आता है नीचे 10 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई जब करेंगे 2.4 से तो ये हो जाएगा 2 4 द 8 एंड 2 2 द 4, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा देखो 4.8 2.5 0.7। ऐड करेंगे इसको 8 एंड 5 13 एंड 7 20 का 0 कैरी आई 2 4 and 2 6 and 2 8 तो कितना हो जाएगा 8। तो यहां लिखेंगे 2.2 into 8.0 मल्टीप्लाई कर देंगे 8 to the 16 कैरी आई 1 8 to the 16 and 1 17। ठीक है, 1 प्लेस पे क्या है पॉइंट, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। Thanks for watching. Bye-bye.